हाय राम। सो टुडे वी आर गोइंग टू परफॉर्म वन एक्टिविटी। हम एक एक्टिविटी से अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑफ यू टेक योर कॉपी एंड पेन। कॉपी और पेन रखिए आपके सामने। सैलम सर, राम, रख लिया सबने अपना कॉपी पेन सामने है सबके। यस, यस सर। ठीक है। सो नाउ टॉपिक ऊपर आज की डेट लिखिए और ऊपर आज का डेट लिखने के बाद लिखिए टॉपिक एमएस वर्ड। और एमएस वर्ड में एमएस वर्ड के सामने लिखिए वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग एंड आफ्टर दैट नाउ यू राइट एनी 5 पॉइंट्स रिलेटेड विद एमएस वर्ड। आपको कुछ भी अभी तक याद हो, एमएस वर्ड से रिलेटेड कुछ भी आपको याद हो, यू राइट डाउन 5 पॉइंट्स ऑन योर पेज। अपने पेज पे 5 पॉइंट्स लिख दीजिए एमएस वर्ड से रिलेटेड जो आपको याद है। राइट डाउन एनी 5 पॉइंट्स रिलेटेड विद वर्ड प्रोसेसर। यस, नाउ अदिति वर्मा आपने लिख लिए 5 पॉइंट्स। अदिति आपने लिखे कुछ, यू राइट सम पॉइंट्स। अक्षरा, सर मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ, मुझे पता नहीं है क्या करना है। हाँ अक्षरा, आपको क्या करना है, एमएस वर्ड से रिलेटेड यू राइट एनी 5 पॉइंट्स ऑन योर पेपर। आप एक रफ कॉपी ले लो, अब रफ कॉपी में एमएस वर्ड से रिलेटेड कोई भी 5 पॉइंट्स आप लिखो उसमें। राइट डाउन एनी 5 पॉइंट्स रिलेटेड विद एमएस वर्ड। अक्षिता आपने लिखे, सर आई एम राइटिंग। ओके। आयुष, गुनिका, हितेंद्र, सर आपने कुछ पॉइंट्स लिखे हितेंद्र? यस सर हाँ यस सर हाँ हितेंद्र, रीड करिए आपने क्या पॉइंट्स लिखे हैं। सर व्हेन इन इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस व्हेन न्यू वर्ड्स कम द दे वर अंडरलाइंड। ओके, हाँ श्याम के मार्क्स हैं, श्याम आपके मार्क्स हैं 7.5।
डिस्क्रिप्टिव में, और गूगल फॉर्म के आपके हैं 5। नीले, नीले के गूगल फॉर्म में है 10 और डिस्क्रिप्टिव में है 11। और अदिति सर मेरे, अदिति वर्मा के हैं गूगल फॉर्म में 4.5 और डिस्क्रिप्टिव में है 8.5। और प्रणव के हैं 5.5 एंड 9। प्रणव के बाद है रामा, कितने? रामा के हैं सर आपकी आवाज सर एक बार और। प्रणव के हैं 5.5 एंड 9। यस सर। और रमा के हैं 10 एंड 15। याशिका के हैं 5 एंड 7.5। यस हाँ, तो हितेन ने अभी एक पॉइंट बताया हमको, बहुत अच्छा पॉइंट हितेन ने बताया कि दैट ऑन एमएस वर्ड व्हाट एवर वी आर राइटिंग वी कैन डू द अंडरलाइन ऑल्सो। जानवी नाउ यू कैन टेल वन मोर पॉइंट। सो वन मिनट जस्ट आई एम राइटिंग। मुकुंद मीना क्या आपको एक पॉइंट शेयर करोगे? सो ओनली वन मिनट। हाँ मुकुंद शर्मा या मुकुंद मीना में से कोई भी कोई पॉइंट शेयर करेगा जो उन्होंने लिखा अभी एमएस वर्ड से रिलेटेड। नकुल सर इफ वी राइट स्पेलिंग रॉन्ग इट द रेड अंडरलाइन इज कम इन द एमएस वर्ड। यस करेक्ट, नाइस पॉइंट। स्पेलिंग करेक्शन, spelling correction is a very nice feature of MS Word. spelling correction बहुत ही जबरदस्त फीचर है इसका, very nice. और कि जो भी आपकी spelling mistakes होती है उसको red underline कर देता है, ठीक है, तो automatically आपका जो content है वो check हो जाता है। टीचर को फिर क्या करना होगा, टीचर को तो सिर्फ ये चेक करना होगा कि आप ये अपना जो कंटेंट किसी को दे रहे हैं उसे ये चेक करना होगा कि ग्रामर की मिस्टेक्स तो नहीं है, सेंटेंस प्रॉपरली फ्रेम करें कि नहीं, है ना, स्पेलिंग ऑटोमेटिकली वहां पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अदिति वर्मा ने, अदिति आप जो पॉइंट आपने लिखा है वो उसके बारे में थोड़ा बताओ हमें। जो पॉइंट अदिति आपने लिखा है उसके बारे में कुछ बता सकते हो क्या? ये कन्वर्ट अ लिस्ट टू अ टेबल, हाँ यस हाँ ठीक है ठीक, ओके समझिए। तो बहुत ही अच्छा, ये भी बहुत अच्छा फीचर है कि हम लोग अपनी क्या करते हैं, लिस्ट प्रिपेयर करते हैं और लिस्ट प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टेबल, है ना, टेबल का यूज करते हुए, टेबल का यूज करते हुए, टेबल का बहुत ज्यादा यूज होता है। दिस इज अनदर फीचर ऑफ एमएस वर्ड, स्पेलिंग करेक्शन हो गया, स्पेलिंग करेक्शन के बाद टेबल, टेबल इज अ वेरी अनदर अट्रैक्टिव फीचर ऑफ एमएस वर्ड, बहुत ज्यादा टेबल का यूज होता है। चलिए फिर नेक्स्ट है कोजित, कोजित कैन यू टेल मी वन मोर पॉइंट? सर वी कैन चेंज द पैराग्राफ। यस पैराग्राफ बहुत अच्छा इसमें फीचर है दैट कि आप अपने कंटेंट को पैराग्राफ के अकॉर्डिंग अलाइन कर सकते, ठीक है, पैराग्राफ में आप लिखते जाइए जहां से आपको पैराग्राफ स्टार्ट करना है वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, यू कैन चेंज द पैराग्राफ। प्रणव राजवर्धन
हाँ प्रणव, क्या पॉइंट बता रहे हो? राजवर्धन, रमा, सर वी कैन क्रिएट लिस्ट इन एमएस वर्ड विद बुलेट्स. वी कैन क्रिएट लिस्ट, यस, विद द हेल्प ऑफ नंबरिंग और बुलेट लिस्ट. ठीक है, आप सेंटेंस फ्रेम करते हैं. इफ यू वांट टू राइट इन सेंटेंस नंबर वाइज 1 2 3 4, वो भी ऑप्शन है. आप बुलेट लिस्ट का यूज करना चाहते हैं, वो भी ऑप्शन है. ठीक है, स्वर्णिम. सर वी कैन मेक ग्राफ्स इन इट. एक बार फिर से बोलो स्वर्णिम, फिर से बोलो. सर वी कैन मेक ग्राफ्स इन इट. ग्राफ सिलेक्ट, चैट बॉक्स में टाइप करना, में समझ में नहीं आया. याशिका, हाँ ग्राफ्स, ओके ओके, ग्राफ्स इन इट. ग्राफ्स किस, आप कौन से ग्राफ की बात कर रहे हो यहाँ पे? क्रॉपिंग इमेजेस, ओके. आरुष, वी कैन ऐड पिक्चर्स, यस आरुष, अच्छा पॉइंट बताया आपने. पिक्चर्स का यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट को बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं, करेक्ट. हाँ याशिका, आप क्या बताओगे, कौन सा पॉइंट शेयर कर रहे हो याशिका? ओके, सो लॉट्स ऑफ पॉइंट्स यू सजेस्टेड एंड दे आर द मेन फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड. चलिए फिर से हम बैकग्राउंड, यस ठीक है, साउंड इफेक्ट्स. हाँ सो मैंने एमएस वर्ड ओपन कर लिया है और हमने लास्ट टाइम हमने क्या करा था, हमारा टॉपिक था दैट वी हैव टू कवर द एमएस वर्ड के सारे फीचर्स, हमको जो भी उसके सामने हमको फीचर्स दिखाई दे रहे हैं उनको कवर करना है. तो हमने डिस्कस करा था लास्ट टाइम, मेन्यूज को डिस्कस करा था ये. अच्छा एक मिनट, स्क्रीन शेयर नहीं करा. हाँ स्मार्ट आर्ट, यस. लास्ट टाइम हमने मेनू डिस्कस करके मेनू के अंदर, और फिर मेनू के अंदर हमने देखा था रिबिन है, रिबिन के अंदर ग्रुप्स हैं और ग्रुप्स के अंदर ऑप्शंस हैं, इफेक्ट्स हैं जो हमें यूज करते हैं. तो ये ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, ग्रुप्स के अंदर अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए. ठीक है, अब नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. वर्ड प्रोसेसिंग हमने देख लिया, इंट्रोडक्शन हमने देखा, उसके जो मेन विंडो है उसके हमने पार्ट्स डिस्कस करे हैं. हाउ टू ओपन, हाउ टू सेव, दैट यू ऑलरेडी नो. ओके, नाउ द नेक्स्ट फीचर इज अप्लाइंग एडिटिंग फीचर्स. अब एडिटिंग हमको स्टार्ट करनी है. ठीक है, तो एडिटिंग हम कैसे स्टार्ट करेंगे? चलिए सबसे नॉर्मल आप क्या करते हैं अधिकतर, सबसे ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, देखिए मैं जो अभी एक्टिविटी करने जा रहा हूं, एक पैराग्राफ को हमने यहां से कॉपी करा. मैडम प्रणव, आर यू हियर? यस सर. प्रणव मुझे ये पैराग्राफ को कॉपी करना है और एमएस वर्ड पे इसको ले जाके पेस्ट करना है, तो उसका व्हाट आर द ऑप्शंस, उसके कमांड्स क्या हैं? सर लेफ्ट क्लिक करके सर कॉपी, राइट क्लिक करके कॉपी, फिर
उधर जाके सर फिर से लेफ्ट क्लिक करके पेस्ट का ऑप्शन आएगा सर, कंट्रोल राइट क्लिक करके, राइट क्लिक करके फिर पेस्ट, ठीक है ओके। सो दिस इज द वन कमांड माउस की हेल्प से आप ये करा आपने, ठीक है, और माउस की हेल्प से आपने करा। आप स्वर्णिम कैन यू टेल मी व्हाट इज विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, अगर कीबोर्ड का यूज करना है तो C and then for paste control plus V. Okay, control yes. यहाँ पे मैं पहले अपने paragraph को select करूँगा, then I will press control plus C और फिर अपने document में आकर यहाँ पर हम करेंगे control plus V, correct? ठीक है, तो ये जो भी मैंने process करी है that is known as editing. Editing यहाँ से start हो जाता है, हमने अब अपने document को edit कर दिया है, ठीक है। नकुल, नकुल व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट नेम ऑफ माय एमएस वर्ड, एमएस वर्ड का बाय डिफॉल्ट नेम क्या है? ये जो मेरा एमएस वर्ड मैंने ओपन करा है नकुल, इसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या है? समझ में नहीं आया सर आप क्या पूछ रहा। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अपन कोई फाइल को नेम देते हैं, ठीक है, तो ये जो मैंने एमएस वर्ड की फाइल ओपन करी है या इस फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम आपको दिखाई दे रहा है सर? रेड 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 बार है सर, डॉक्यूमेंट वन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोडक्ट एक्शन फिर। हाँ करेक्ट, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट वन है ना, अभी जो मैंने फाइल ओपन करी है इसका नेम है डॉक्यूमेंट वन, करेक्ट, सिर्फ डॉक्यूमेंट वन इसका बाय डिफॉल्ट नेम है। तो ये जो मेरा डॉक्यूमेंट वन है अब मैं इसको एडिट कर चुका हूँ, एडिटिंग स्टार्ट कर चुका हूँ मैं, एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज दिस डॉक्यूमेंट। लेकिन ये बॉक्स क्यों आ गया, मैं ये बॉक्स, मैं इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर रहा हूँ और ये बॉक्स मेरे सामने क्यों आ गया है? अक्षरा आप बताओगे? I want to close my document one, पर ये box क्यों आ गया सामने? Sir, to save it. Okay, तो अक्षरा ये box बार बार आएगा क्या जब भी मैं अपने document को close करूँगा? Sir, जब तक इसको save नहीं करेंगे। Yes, correct. तो जब तक अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करेंगे तो ये जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज करने जाएंगे तो ये आपको वार्निंग बॉक्स आएगा, ठीक है, और वो आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू सेव योर फाइल। चलिए सेव कर लेते हैं और नाउ इट इज आस्किंग फॉर, अच्छा अब हु विल टेल मी, कौन बताएगा मुझे? आयुष, आयुष आप बताओगे? आयुष मैं अपनी फाइल को कहां पर सेव करूं बताइए, ये जो फाइल है इस फाइल को कहां पर सेव करें? विच इज द बेस्ट प्लेस टू सेव माय एमएस वर्ड फाइल? डेस्कटॉप? नहीं, रॉन्ग। चलिए कौन बताएगा आयुष के बाद? भूपेंद्र आप बताओगे? सर इन डॉक्यूमेंट्स? नो। अक्षिता आप बताओगे? अदिति आप बताओगे? सर कैन यू रिपीट क्वेश्चन? माय क्वेश्चन इज अक्षिता, ये जो आपके सामने वर्ड फाइल है, ठीक है, ये वर्ड फाइल मैं सेव करने जा रहा हूँ, तो मैं अपनी इस फाइल को कहां पर सेव करूं अपने कंप्यूटर में? एक स्टूडेंट ने बोला है डेस्कटॉप, इट इज अ रॉन्ग मेथड। एक और स्टूडेंट ने बोला है डॉक्यूमेंट्स, इट इज आल्सो नॉट अ गुड प्रैक्टिस। वेयर विल आई सेव माय एमएस वर्ड फाइल? सर एमएस वर्ड में सेव हो तो मतलब सर एमएस वर्ड में सेव हो जाएगी फाइल? हां एमएस वर्ड में सेव हो जाएगी,
location. I want to know about the location. Where? What is the best location to save this file? Aditi Jain, आप बताओगे? मुकुंद मीना, आप बताओगे? जानवी? Yes, sir. Sir, if we have to take information of particular place, so we can make a folder or we can save it on a document. नहीं, documents पे save नहीं करेंगे. प्रज्ञा? Sir, desktop. No. Pragya, can you tell me where will I save my file? Sir, I think documents. Rajvardhan? Disk C. Jethi, whenever we want to save our file, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा, जब भी आप अपनी फाइल सेव करने जाएंगे तो देखिए आप जाएंगे दिस पीसी में जाएंगे, ठीक है. अब ये दिस पीसी में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक तो सी ड्राइव दिखाई दे रहा है और एक डी ड्राइव दिखाई दे रहा है. तो आप जो बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट्स और डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स और डेस्कटॉप सी ड्राइव में आते हैं. लेकिन अगर एक दिन आपका कंप्यूटर करप्ट हो गया तो सी ड्राइव का पूरा डेटा उड़ जाएगा. उड़ जाएगा मतलब उसको डिलीट कर देते हैं. तो बेस्ट प्रैक्टिस इज टू सेव आवर डेटा इन डी ड्राइव और ई ड्राइव. अगर आपके इसमें ई है या एफ है तो उस पर सेव करिए. लेकिन इस कंप्यूटर में अभी सिर्फ डी ड्राइव है. तो आई एम गोइंग टू शेयर माई डेटा, सेव माई फाइल इन डी ड्राइव. सी ड्राइव इज फॉर द सॉफ्टवेयर फाइल्स, प्रोग्रामिंग फाइल्स, सेटअप फाइल्स. जो भी आप सेटअप फाइल्स रहते हैं वो सी ड्राइव में जाती हैं. हमारा डेटा जाना चाहिए डी ड्राइव में. तो डी ड्राइव में आप क्लिक करोगे और फिर यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करके, क्रिएट अ फोल्डर हियर, एंड जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको फोल्डर का नेम देना है और फिर उस फोल्डर के अंदर आपको ये फाइल सेव करनी है. मेरी फाइल क्लोज हो गई है. माय फाइल इज क्लोज्ड नाउ. अब कौन बताएगा? राजवर्धन, आर यू हियर? Aditi Jain, are you here? Yes, sir. Aditi Jain, मैंने अपनी फाइल क्लोज कर दी है. मुझे अपनी फाइल को फिर से ओपन करना है. कैन यू टेल मी द स्टेप्स? Aditi वर्मा के बाद क्या? Aditi वर्मा आप बताओगे? Can you tell me the steps? How can I open my file? कौन बताएगा? Who will tell me the steps? अब मैं तो फाइल सेव कर ली, अब मुझे वापिस अपनी फाइल ओपन करना है, एमएस वर्ड की फाइल फिर से ओपन करना है. कोई बताएगा स्टेप्स? सर पहले सर दिस पीसी में जाएंगे. ओके सर. सर फिर ए सर डाटा डी में जाएंगे. हाँ, एक बार, एक वन बाय वन. पहले मैं जा रहा हूँ दिस पीसी में. दिस पीसी सर पहले. हाँ, दिस में जाएंगे सर. आप बताइए सर. ए सर डाटा डी. सर ए सर डाटा डी. हाँ, पहले तो वो फिर गए डी में गए. आप बताइए सर. फिर फोल्डर खोलेंगे. सर
फोल्डर आप किसी को याद है मेरा फोल्डर का नेम? नाइन्थ ए वर्ड. नाइन्थ ए वर्ड गुड, ये मिल गया मुझे. नाइन्थ ए वर्ड सामने और फिर मुझे वहां पे अपनी फाइल दिख गई है. ठीक है करेक्ट. तो अभी अभी जो स्टूडेंट ने बताया, जैसे मैंने बोला कि मैं फोल्डर का नेम भूल गया, तो वो स्टूडेंट को फोल्डर का नेम याद था. वो फोल्डर का नेम क्यों याद था? क्योंकि वो फोल्डर आप ही से रिलेटेड था. जब भी आप कोई फाइल और फोल्डर क्रिएट करें, वो उसी से रिलेटेड उस फाइल को उसका नेम दें. ठीक है. अब जैसे प्रणव श्रीवास्तव है, ठीक है, और प्रणव ने अपना एक फोल्डर क्रिएट करा और प्रणव ने अपनी फाइल सारी फाइल्स उस फोल्डर में रख रहा है और फोल्डर का नाम कुछ ऐसा दे दिया उसने कि वो उससे रिलेटेड ही नहीं था. ठीक है. और प्रणव जो जैसे कि उसने कुछ दे दिया एमएस धोनी फाइल्स करके उसने फोल्डर का नेम दे दिया. अब नेक्स्ट टाइम 10-15 दिन हो गए प्रणव को फिर से वो फाइल चाहिए. प्रणव ये सोच रहे हैं कि फोल्डर मैंने कहाँ पे क्रिएट करा था, उसका क्या नेम होना चाहिए. तो वो सबसे पहले क्या याद करेगा? वो याद करेगा कि वो फाइल्स किससे रिलेटेड थी. ठीक है. तो अगर आपने वो फोल्डर का नेम उसी फाइल से रिलेटेड दिया है तो वो इमिडिएटली उसको देख लेगा. नहीं तो उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा माथा पच्ची करनी पड़ेगी, तब जाके उसको कोई फोल्डर मिलेगा. ऑलवेज रिमेंबर, जो भी फाइल से उस फाइल से रिलेटेड ही आप उस फोल्डर का नेम देंगे. तो ये फाइल हमारी ओपन हो गई है, सामने आ गई है और एडिटिंग हमने स्टार्ट कर दिया है. ठीक है. और देखते हैं अभी कितने स्टूडेंट्स मेरी बात को ध्यान से सुन रहे थे. श्याम, व्हाट इज द फर्स्ट एडिटिंग फीचर दैट आई अप्लाइड ऑन एमएस वर्ड? श्याम आप बताओ, मैंने इस एमएस वर्ड पे सबसे पहला एडिटिंग फीचर कौन सा अप्लाई करा है? श्याम मीटिंग में है कि नहीं? श्याम इज हियर और नॉट. ठीक है. राजवर्धन की तो आवाज ही नहीं आ रही है. राजवर्धन कहाँ चले गया है? चैट बॉक्स में भी कुछ टाइप नहीं कर रहा है राजवर्धन. और प्रज्ञा, मैंने अभी कौन सा एडिटिंग फीचर अप्लाई करा है एमएस वर्ड में? सर कॉपी पेस्ट. यस करेक्ट, कॉपी पेस्ट. अच्छा, पूजित ने पहले ही आंसर. तो देखिए, व्हेनेवर आई आस्क समथिंग रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट, आप जब तक आपका नेम नहीं आए आप उसको चैट बॉक्स में टाइप मत करो. ठीक है. आई जस्ट वांट टू चेक वेदर द स्टूडेंट्स आर अलर्ट इन द क्लास ऑर नॉट. ठीक है. तो करेक्ट, प्रज्ञा ने सही बताया है. कॉपी पेस्ट इज द फर्स्ट एडिटिंग फीचर ऑफ एमएस वर्ड दैट आई अप्लाइड. ठीक है. अब जो आपने अभी आपने कुछ स्टूडेंट्स ने जो फीचर्स बताए हैं, चलिए वो पहले अप्लाई कर लेते हैं. अभी सबसे पहले एक स्टूडेंट ने फीचर अप्लाई बताया था, वो फीचर था अंडरलाइन का. ये अंडरलाइन का ऑप्शन गया है फॉन्ट में. ये ग्रुप का नेम याद रखना है. ठीक है, मैं अभी ग्रुप का नेम आपसे पूछूंगा. ग्रुप नेम इज फॉन्ट और ये अंडरलाइन हो गया. ठीक है. अब आते हैं हम नेक्स्ट फीचर पे आते हैं. नेक्स्ट फीचर किसी स्टूडेंट ने बताया था कि स्पेलिंग करेक्शन. अब देखो, मैं एक रॉन्ग स्पेलिंग लिख रहा हूं. एजुकेशनल की स्पेलिंग मैंने रॉन्ग कर दी थी, इमीडिएटली वहां पर हेडलाइन आ गई. देखिए, और इसको कैसे करेक्ट करेंगे आप, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे. राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी. ये फीचर हो गया. फिर किसी स्टूडेंट ने बताया था कि हम इसको पॉइंट्स में लिख सकते हैं. पॉइंट्स में लिखने के लिए फिर मैंने इसको एंटर करा. अरे ये क्या हो गया?
ठीक है, और फिर हम इसे 1 2 3 दे सकते हैं, बुलेट लिस्ट दे सकते हैं। बुलेट लिस्ट हो गया। फिर किसी स्टूडेंट ने बताया था कि हम लोग इसे पैराग्राफ में लिख सकते हैं, तो पैराग्राफ में अभी था या ऑलरेडी, तो आपने जो फीचर्स बताए थे वो भी हमने करके देखे। ठीक है, नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। कॉपी पेस्ट हो गया है, अंडू रीडू मैंने अभी करा, अंडू रीडू आपके सामने मैंने अभी करा, ठीक है, जिसमें मैंने कुछ एडिटिंग करा और वापस फिर उसी ओरिजिनल वे में आ गया। देखिए ये मेरा पैराग्राफ था, अभी मैंने इसमें कुछ फीचर्स ऐड करे थे, लेकिन फिर से मैं वापस वो सेम कंडीशन में जहां से था वहीं पर लेकर आ गए। तो कंट्रोल जेड मैंने करा था, दिस इज कंट्रोल वाई टू रीडू एंड कंट्रोल जेड, ठीक है, फॉर अंडू। नेक्स्ट हमें देखना है, अंडू रीडू हो गया, सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट ये भी हमने देख लिया है, सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड यूज द कीबोर्ड एंड माउस, ओके, नॉन कॉन्सिक्यूटिव टेक्स्ट आइटम्स। अब आप देखना यहां पे मैं माउस अपना लेकर आ रहा हूं, देखिए है ना, ऑल ऑफ यू पे अटेंशन हियर, यहाँ पे मेरा ये कर्सर यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है लेकिन माउस मेरा यहाँ पे जा रहा है, अभी माउस आई के फॉर्म में है, देखना आप ध्यान से ना, माउस आई है, आई के फॉर्म में है, इसके ऊपर ले गए ऊपर ले गए ऊपर ले गए और माउस चेंज हो गया और एरो के फॉर्म में हो गया, लेकिन माउस जब यहाँ पर आता है तो आई के फॉर्म में हो जाता है, माउस यहाँ पर जाता है तो एरो आ जाता है, ऐसा क्यों? सर क्योंकि वहां टाइप कर सकते हैं, वहां हम टाइप नहीं कर रहे हैं। हाँ सर, क्योंकि वो वर्क एरिया है तो सर उसमें टाइप करने के लिए सर आई फीचर यूज होता है और सर बाकी ऑप्शन सर आई प्लेस में टाइप कर सकते हैं। हाँ ठीक है, आप लोग सही पॉइंट बोल रहे हैं। एंड वन मोर पॉइंट इज देयर, मैं अपना एक और पॉइंट ऐड करता हूँ कि यहाँ पर ये सिलेक्शन के लिए आ जाता है, ये जब माउस आएगा, माउस का जब ये एरो आता है तो ये एरो शो करता है सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट के लिए। सो रिमेंबर द पॉइंट दैट दिस माउस कर्सर अगर यहां पर एरो आ रहा है तो वो सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट के लिए आता है। अब जब मैं यहां पर क्लिक करूंगा, देखिए मैंने अब यहां पर सिर्फ सिंगल क्लिक करा है और सिंगल क्लिक करने से वो पूरी लाइन सिलेक्ट हो गई। फिर मैं अगर यहाँ पे बॉट उसके नेक्स्ट लाइन में आता हूँ, फिर से क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट लाइन क्लिक हो जाती है, फिर यहाँ पर आता हूँ नेक्स्ट लाइन सिलेक्ट हो जाती है। लेकिन अब मुझे अगर पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो क्या करना होगा, तो मुझे वहां पर डबल क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे ही मैं इस फर्स्ट लाइन के सामने लेकर आता हूँ अपना कर्सर, माउस लेकर आता हूँ और डबल क्लिक कर दिया तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। This is known as the selection of text. फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सिलेक्शन आपने देखा, अब सिलेक्ट करने का सेकेंड मेथड भी है। अब आप लोग इस तरह से भी आपने सिलेक्ट करा होगा, ऐसे माउस को इस तरह से ले जाते हैं, इफ यू वांट टू ऐड कुछ वर्ड्स आपको सिलेक्ट करने हैं, नॉट अ फुल लाइन, अगर आपको पूरी लाइन सिलेक्ट नहीं करनी है तो आप क्या करते हैं, माउस को लेकर जाएंगे और जहां तक सिलेक्ट करना है वहां तक उसको इस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे लाइक दिस। बट इफ यू वांट टू सिलेक्ट द होल लाइन तो उसके लाइन के आगे आप एक सिंगल क्लिक करेंगे वो लाइन सिलेक्ट, लेकिन आपको पैराग्राफ के मिडिल में से सिलेक्ट करना है तो भी आप यहां पर ले जाएंगे और यहां से इसको आप सिलेक्ट करेंगे लाइक दिस। ठीक है, अब
नेशन ऑफ टैक्स हो गया, आगे के अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट ये है, और प्रोजेक्ट ये है कि आपको एमएस वर्ड में फाइल क्रिएट करना है, ठीक है? तो सोच के रखिएगा कि एमएस वर्ड में आप कौन सी फाइल क्रिएट करेंगे। टॉपिक जैसे लास्ट ईयर का मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर तो कुछ स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट कार्ड टाइप करा था एमएस वर्ड में, ठीक है? कुछ स्टूडेंट्स ने पोस्टर क्रिएट करे थे। तो आप भी अपने टॉपिक सोच के रखें कि आपको एमएस वर्ड में कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बता देंगे कि आप कौन सा प्रोजेक्ट पे वर्क करना चाहते हैं एमएस वर्ड पे। सर सब अलग अलग टॉपिक में नहीं कर सकते? हाँ, टॉपिक्स आपके अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग टॉपिक्स हो सकते हैं। ठीक है, साइरम टू ऑल। थैंक यू सर। साइरम साइरम सर साइरम सर साइरम साइरम।